कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी मर्डर मामले की। इस मामले में आपको पता है कि किस तरीके से लगातार सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हम आपके सामने वो सबूत रखेंगे जिस सबूत को नहीं मिटा पाने की वजह से उसे छुपाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, अंकिता भंडारी जिस रिसोर्ट में काम करती थी उसके पीछे झाड़ी में किस तरीके से सबूत को छुपाया गया था, ये सब कुछ अब बेनकाब हो गया है। मैं आपके सामने उसी सबूत को रखूंगा और इससे आज तय हो जाएगा कि अंकिता की हत्या बेहद ही बेरहम तरीके से की गई है और हत्या के दौरान जो भी खतरनाक सबूत थे उसे रिसोर्ट के पीछे वाले झाड़ियों में छुपाई गई थी। इसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश यह है कि अगर आप भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर अंकिता जरूर लिखिए, इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, जांच में तेजी आएगी। मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में झाड़ियों से कौन से सबूत मिले हैं जिसने पूरी तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर मामले को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लगातार जिस तरीके से पुलकित आर्य और उनके दोस्तों ने सबूतों को मिटाया और जिस तरीके से लोगों को और प्रशासन को भटकाने की कोशिश की वो तो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन SIT लगातार इसी तलाश में है कि कोई ऐसा खतरनाक सबूत मिले जो पूरी तरीके से इन लोगों को हवालात की हवा खिलाने के लिए काफी हो। अब इंतजार खत्म हो चुका है, सबूत मिल गया है और वह सबूत उनके ही रिसोर्ट के पीछे मिला है। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं कि किस तरीके से उस कूड़े में सबूतों को छुपाया गया था और वो सबूत जिस तरीके से मिला है वो वाकई में अब कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट उन्हें जरूर सजा दिलाएगी। दोस्तों, आप एक दो लाइन में इस बात को समझिए, तब आप सबूत को देखेंगे तो पूरा मामला समझ में आएगा। लगातार जिस तरीके से रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने साजिश रची, उस साजिश पर अंकिता के मर्डर के बाद भी उन लोगों ने काम किया। जी हाँ, अंकिता की हत्या के बाद जिस तरीके से पुलकित आर्य और उनके दोस्तों ने मिलकर उस रिसोर्ट के उस कमरे को नष्ट किया, उस रिसोर्ट के सबूत को नष्ट किया, ये सब कुछ शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि प्रशासन के इजाजत के बाद ही बुलडोजर के जरिए उनके घर को ढाया गया, लेकिन प्रशासन की कोई अनुमति नहीं थी, सरकार की अनुमति नहीं ली गई थी। क्लियर है कि पुलकित आर्य के लोगों ने ही उस रिसोर्ट को तोड़ा और सबूत को मिटाने की कोशिश की। और इस पूरे मामले में और एक चीज आया है, इसको समझिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर उन झाड़ियों से कौन सा सबूत मिला है जिसने पूरी तरीके से इस मामले का खेल बदल दिया है। दोस्तों, अंकिता भंडारी रिसोर्ट के अंदर ही एक कमरे में रहती थी। उस कमरे में जो सबूत मिला है, कमरे से होकर जो CCTV के तार गुजरे थे उस तार को काटा गया, कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट थे उसको नष्ट किया गया, लैपटॉप को नष्ट किया गया, उसके अलावा पर्दे में आग लगाई गई, यानी कि कई ऐसे सबूत थे जिसको मिटाया गया। और उसके अलावा एक पत्रकार जब वहां पर रिपोर्टिंग करने गए तो वहां की तस्वीरें वाकई में हैरान कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर खून के धब्बे की तस्वीर है। पत्रकार ने साफ तौर से कहा कि यह खून उनके ही कमरे के बगल में देखा गया है, खून इंसानी है या फिर खून किसी जानवर का है अब तक पता नहीं चल पाया है। अब चलिए रिसोर्ट के पीछे वाले उस कूड़े के ढेर में जाते हैं, उसमें क्या मिला है। उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पत्रकार को, जी हां, पत्रकार को यह सबूत मिला है। वहां की पुलिस उन्हें रोक रही थी, लेकिन पत्रकारों को जो मिला है यह आप देखिए, यह टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है। अंकिता के फोन को ढूंढा जा रहा है, रिसोर्ट के मालिक के फोन को ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस बीच रिसोर्ट के ही बगल के जंगल में जो फोन मिला है, क्या यह इन दोनों में से किसी का है? अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर है तो जांच एजेंसी अब तक इसे जब्त क्यों नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अंकिता भंडारी के मर्डर के बाद जिस तरीके से कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों ने शराब पी थी, हिरन का मीट खाया था, यह सब कुछ अब बेनकाब हुआ है। उस कूड़े के ढेर से महंगे शराब की बोतलें भी मिली है, पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करते हुए साफ तौर से उन बोतलों को भी दिखाया है। दोस्तों, यह तो क्लियर है कि जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इस मर्डर मामले से जुड़े कई ऐसे ऑडियो टेप आए हैं जिसने पूरी तरीके से SIT के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, पुराने ऑडियो टेप और नए वाले ऑडियो टेप को मिलाकर आप सुनिए, तभी इस पूरे मामले को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई, मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी? अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। भाई देखो, अगर आपका फोन उनके पास है और मैं तीन बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे भी क्या आपने?
हाँ आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ अभी तक ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा, नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है, और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक तो करता हूँ मैं, सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? मुझे ना मतलब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे मुझे सच सच बात ये बताइए। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। मैं वही कह रहा हूँ अभी तक ना अभी नहीं मिला फोन मेरा, नहीं मिला। ना तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक तो करता हूँ मैं, सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? मुझे ना मतलब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। कल वो क्या बोलते हैं, कल कल शाम को भी वो यूं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे को बोला उसने कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा तू कहाँ जाएगी, कह रही मेरे को कुछ पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं भी जा रही हूँ मैं। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है बता मेरे को। बस कुछ माइंड अपसेट था इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था आपको। मैंने कहा यार देखो, ये हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है, ठीक है। मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर दो अच्छे काम कर सके, तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है, ठीक है। मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर दो अच्छे काम कर सके, तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है।